आज मैं इसे फ्री में पानी की बोतल देकर कमाने जा रहा हूँ पूरे 50,000 रुपए, वो भी सिर्फ एक हफ्ते में। बांटे पानी ऑनलाइन मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले क्या तुम्हें पता है एक बिजनेस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है? मार्केटिंग। जी हाँ, एक अच्छी मार्केटिंग से बिजनेसमैन लो क्वालिटी प्रोडक्ट को भी ओवर प्राइस में बेच सकता है। इन प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग हमें रील स्क्रॉल करते टाइम, सड़क पे गाड़ी चलाते टाइम और ऐसे चलते फिरते कहीं ना कहीं रस्ते में हमें डली मिली जाती है। अब ब्रांड अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते तो है, लेकिन ये मार्केटिंग होती क्या है इसे तुम लोग एक लाइन में समझ लो। बेसिकली जब भी कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट को इंसानों को दिखाती, बताती या समझाती है, उसी को प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना कहते हैं। सिंपल। और तुम्हें पता है एक मिड रेंज की कंपनी भी साल भर में अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर देती है। लेकिन इस मार्केटिंग वर्ड का मेरी फ्री की बोतल बेचकर 50,000 रुपए एक हफ्ते में कमाने से क्या रिलेशन है? इसे जानने से पहले एक बात जान लो कि ये है इंदौर शहर का एक एरिया जहां पर लगा हुआ है एक होर्डिंग। इस होर्डिंग में कोई तो भी सोने चांदी की दुकान का एड चिपकाया हुआ है। रात दिन इसके सामने से लोग निकलते रहते हैं, लेकिन इनमें से कितने ही लोग होंगे कि इस होर्डिंग को ध्यान से देखेंगे या देखते ही साथ ये डिसाइड करेंगे कि कभी भी सोना या चांदी लेंगे तो इसी शोरूम से लेंगे। ये एक क्वेश्चनेबल टॉपिक है, लेकिन एक क्वेश्चन अभी मेरे दिमाग में आ रहा है कि इस ज्वेलरी शोरूम को यहाँ होर्डिंग चिपकाने के लिए होर्डिंग वाले भैया को कितने रुपए दिए होंगे? तो इसे जानने के लिए मैंने होर्डिंग वाले भैया का नंबर होर्डिंग के नीचे लिखे हुए को डायल कर दिया। मैंने उनसे बात एक फेक बिजनेसमैन बनकर करी, जहां मुझे पता चला कि एक महीने होर्डिंग चिपकवाने का भैया ऊपर लगेगा एक महीने का। तो इससे हमें ये तो समझ में आ गया कि बिजनेस में पैसा बहुत है, बस हमें इन बिजनेसमैन की जेब में से पैसा निकालते आना चाहिए, जैसे उस होर्डिंग वाले ने ज्वेलरी शोरूम वाले से निकलवाए। तो अब हम आते हैं वापस हमारे टॉपिक पर कि आखिर कैसे मैंने सिर्फ एक हफ्ते फ्री में पानी लोगों को बांटकर 50,000 रुपए कमा लिए। तो इस कहानी की शुरुआत हुई थी 2 दिन पहले रात की लगभग 2:30 बजे, जब मैं पलंग पर लेटर लेटर रील्स स्क्रॉल कर रहा था। तभी मेरी फीड में कोई तो भी एक मास्क लगाए हुआ इंसान आया, जिसने बताया कि फॉरेन में एक स्टार्टअप है जो ऐसा फ्री में पानी बांटकर करोड़ों रुपए कमा रहा है। मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग टाइप लगा ये चीज, तो मैंने तुरंत गूगल किया। अच्छी खासी जब मैंने रिसर्च करी तब मेरे को कुछ कुछ बातें पता चली। पहली कि फ्री में पानी बांटकर ये लोग एक सोशल वर्क कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन अब ये आता है कि अगर ये सोशल वर्क है तो ये करोड़ों रुपए कमा कैसे रहे हैं? इसका आंसर छुपा है वो होर्डिंग वाले एग्जाम्पल में, कि कैसे उस होर्डिंग वाले ने लाखों रुपए कमा लिए उस ज्वेलरी शोरूम से। बेसिकली ये लोग पानी फ्री में पिलाते तो है लोगों को, लेकिन ये लोग पैसे कमाते हैं बिजनेस ओनर्स से। इनकी बोतल में बहुत सारे एड चिपके होते हैं। मोटा मोटा तुम लोग इतना समझ लो कि इनकी बॉटल्स पे जो स्टार्टअप और कंपनी के एड चिपके होते हैं, वो कंपनी इनको लाखों रुपए देती है एड चिपकवाने की अपनी बॉटल्स पर। अगर इसे हम एक दूसरे एग्जांपल से समझे तो न्यूज़पेपर कंपनी को न्यूज़पेपर की कॉस्ट 20 से 22 रुपए आती है, लेकिन तुम्हारे घर में न्यूज़पेपर आता है 2 या 3 रुपए में। तो क्या ये न्यूज़पेपर कंपनी अपने जेब से पैसे लगाकर तुम लोगों को न्यूज़पेपर देती है? नहीं, बेसिकली वो जो एड न्यूज़पेपर में छपे होते हैं न्यूज़पेपर वहां से पैसा कमाती है, ना कि तुम लोगों को न्यूज़पेपर देकर। तो वैसे ही कुछ अभी मैं करने जा रहा हूँ, मतलब मैं भी फ्री में पानी की बोतल बांट तो रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली मैं अपने जेब में से पैसे लगाकर नहीं दे रहा हूँ। मेरी बोतल में कुछ कुछ एड चिपकी होंगी और जो भी कंपनी या फर्म मेरी बोतल पर एड लगवाएगी वो मुझे पैसा देगी, जिससे उसके प्रोडक्ट की होगी मार्केटिंग। तो फॉरेन कंट्री में तो ये फ्री में पानी की बोतल देने वाला बिजनेस मॉडल काम कर गया। अच्छी खासी उन्हें स्पॉन्सरशिप भी आती है जो अपनी बोतल में लगाकर वो लोग करोड़ों रुपए कमा लेते हैं। लेकिन क्या मैं इंडिया में ये बिजनेस सक्सेसफुली रन कर पाऊंगा? चलो देखते हैं। लेकिन उससे पहले क्या तुमने कभी फ्यूचर को प्रेडिक्ट किया है? नहीं ना। लेकिन आर्यन और उसकी टीम ने एविटर गेम के लिए फ्यूचर प्रेडिक्ट करने वाला एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया। यकीन नहीं हो रहा? बताता हूँ। ये मैंने 6 राउंड के लिए प्रेडिक्शन की और मैं 1,000 रुपए लगा रहा हूँ, जो कि 8.20 का रेशियो है। और देखो ये रहा, सी प्रेडिक्शन सही थी और मैंने 7,640 रुपए जीत लिए। अब मैं ना एक बार और ट्राई करूंगा। मैंने इस बार एक हाई रेशो 7.12 का इंतजार किया। मैं इस बार 7,000 रुपए का खतरा उठा रहा हूँ। चलो देखते हैं। और मैं फिर से जीत गया। रॉकेट सच में 7.12 पर ही उतरा। तो मैंने बहुत आसानी से 1,000 रुपए से 44,040 रुपए कमा लिए और इन्हें बहुत आसानी से मैंने विड्रॉल भी कर लिया। अगर तुम्हें भी इस सॉफ्टवेयर को यूज करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन है, वहाँ मुझे टेक्स्ट करो का बटन पिन होगा, उस पर क्लिक करो और आर्यन को कहो कि आई एम फ्रॉम सारांश यूनिवर्स चैनल, और फिर जवाब का इंतजार करो। अब वापस वीडियो में आते हैं।
तो इस बिजनेस की स्टार्टिंग सबसे पहले मैंने करी बॉटल्स से, मतलब अभी मुझे अपने ब्रांड की बॉटल्स बनवानी होगी। अभी मेरे पास में बहुत सारे क्वेश्चन थे कि अच्छा बॉटल मैन्युफैक्चरर मुझे मिलेगा कहाँ, मिनिमम ऑर्डर कितना देना होगा और पर बॉटल की कॉस्ट आएगी कितनी। एक दिन मैंने पूरा इसी में इन्वेस्ट कर दिया और उसके बाद में भी कुछ समझ नहीं आया कि बॉटल अपनी बनवाऊं कहां से। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी किसी एक काम में तुम अपनी पूरी एनर्जी डाल दो तो ये यूनिवर्स उसमें तुम्हारी मदद जरूर करता है। जैसे मैं एक कैफे पर कुछ कुछ खाने गया, उसी के साथ मैंने एक पानी की बॉटल मांग ली। अब ये पानी की बॉटल कोई बिस्लरी या कोई नॉन ब्रांड की नहीं बल्कि भैया के रेस्टोरेंट की नाम की थी। तो मैंने तुरंत भैया से पूछा कि आप ये बॉटल कहां से बनवाते हो, तो उन्होंने तो बोल दिया कि ये तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग है। लेकिन मुझे अंदर से पता था कि भैया इसको आउटसोर्स करते होंगे। तो मैंने बॉटल के पीछे देखा जहां मुझे इस बॉटल की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का कॉन्टेक्ट नंबर मिल गया। फिर क्या था, तुरंत मैंने उनसे कॉल पर बात करी। तो उस बॉटल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से थोड़ी देर बात करके उन्होंने मुझे बताया कि पर बॉटल की कॉस्ट 8.5 रुपए आएगी जिसमें प्रिंटिंग भी इंक्लूड है और मिनिमम ऑर्डर 1000 बॉटल्स का रहेगा। तो मैंने उन्हें हाथों हाथ ये डील डन कर दी। तब उन्होंने मुझसे पूछा कि प्रिंट करवाना किसका है बॉटल पर, और मैं बिल्कुल ब्लैंक क्योंकि मेरे पास में बॉटल पर प्रिंट कराने के लिए कोई स्पॉन्सर था ही नहीं। तो अभी मुझे मेरी बॉटल्स को स्पॉन्सर कराने के लिए कुछ कुछ ब्रांड ढूंढने होंगे। लेकिन ये ब्रांड मुझे मिलेंगे कहाँ, आ जाओ बताता हूँ। तो ब्रांड्स ढूंढने के लिए मैंने चैट जीपीटी से एक ईमेल लिखवाया और उस ईमेल को रात भर बैठा बैठा मैं ब्रांड्स को कॉपी पेस्ट करता रहा। सुबह होते होते मैंने करीब 300 ब्रांड्स को ईमेल भेज दिए। उसी के साथ मैंने कई ब्रांड्स को इंस्टा पर टेक्स्ट किया और उन्हें समझाया कि मैं किस टाइप से फ्री में पानी की बॉटल देकर उनकी मार्केटिंग में हेल्प कर सकता हूँ। 7-8 घंटे तक जब किसी भी ब्रांड का रिवर्ट नहीं आया तो मैंने बैठकर एक लिस्ट बनाई। उस लिस्ट में इंदौर की कुछ कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट शामिल थी। बेसिकली अभी मैं डायरेक्ट इन कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाकर अपनी ये फ्री की पानी की बॉटल को स्पॉन्सर करने की बात करूंगा। जहाँ किसी ने डायरेक्ट मनाही कर दिया या किसी को ये बिजनेस मॉडल समझ नहीं आया या किसी ने कहा कि हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन इसी बीच जो मैंने रात भर बैठकर ब्रांड्स को ईमेल और इंस्टा पर टेक्स्ट किए थे उनके रिवर्ट आने लगे। 300 ईमेल्स में से केवल 10 का ही रिवर्ट आया और 28 इंस्टा मैसेजेस में 18 ब्रांड्स का रिवर्ट आ गया, जिनमें से कुछ तो थे जो मेरे साथ काम करना नहीं चाह रहे थे और कुछ थे जो काम करना तो चाह रहे थे लेकिन नेक्स्ट मंथ। इसके पीछे ना कुछ कुछ रीजन है। क्या होता है ना कि बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती है ना वो डायरेक्ट ऐसे हर किसी के साथ में कोलैब करती नहीं है, उनके ना बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। एग्जांपल के लिए जैसा मैं ये फ्री बॉटल वाली मार्केटिंग कर रहा हूँ तो उनके क्वेश्चंस रहेंगे कि ये तुम कब से कर रहे हो, पहले भी ऐसा कुछ किया है क्या, अगर किया है तो उसका रिस्पॉन्स क्या था, बॉटल्स बांटोगे किसमें, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो कि ब्रांड के पर्सपेक्टिव से सही भी है। कोई भी बड़ा ब्रांड एक नई मार्केटिंग कंपनी को इतने सारे पैसे क्यों ही देगी अंटिल अनलेस उसके पास में एक बड़ा डेटा हो। तो अभी एक बात तो मुझे समझ आ गई थी कि बड़े ब्रांड्स तो मेरी बॉटल्स को स्पॉन्सर करने से रहे और जो लोकल ब्रांड्स थे जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट, कैफे, रेस्टोरेंट्स, हॉस्पिटल, इनको मेरा आइडिया समझ नहीं आ रहा। लेकिन एक बात मुझे बहुत अच्छे से समझ आ गई थी कि पानी की बॉटल्स पर एड चिपका कर मार्केटिंग करना, ये आइडिया इंडिया के लिए बहुत नया है। अगर अभी मुझे इसको सक्सेसफुली रन करना है तो मुझे अपने आप को इन बड़े बड़े ब्रांड्स के सामने प्रूफ करना होगा। मतलब अभी कोई तो ब्रांड होना चाहिए जो मेरी बॉटल को स्पॉन्सर कर सके। अभी सच में ना बहुत खतरनाक वाली दुविधा आ रखी है। मेरे साथ में क्या होता है ना कि अगर मैं कोई भी काम करता हूँ ना तो उसका एक टाइम पीरियड बना लेता हूँ। तो मैंने ये फ्री पानी की बॉटल वाला कॉन्सेप्ट के लिए ना सिर्फ 1 हफ्ता चूज किया था और अभी तक मेरे पास एक भी ब्रांड नहीं आया जो मेरी बॉटल को स्पॉन्सर कर सके। मजाक सेट के पिछले 2 दिनों से मैं ना ढंग से सो भी नहीं पाया। एक तो मेरे साथ में क्या होता है ना कि अगर मेरे को कोई काम वाम होता है ना तो मेरे को रात में कभी नींद ही नहीं आती और दिन में नहीं आ रही वो अलग। करीब करीब 32 घंटे हो चुके हैं अभी और मैं सोया नहीं हूँ। लेट्स सी मेरे को ब्रांड मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, क्योंकि बहुत कुछ अभी मैंने ना शूट भी कर लिया वीडियो के लिए और मेरे को नहीं लग रहा ये वाला बिजनेस ना काम भी कर पाएगा। एटलीस्ट मेरे को नहीं लग रहा कि 1 हफ्ते में तो इसका कुछ हो पाएगा। देखते हैं जो भी होगा, बाकी देखते हैं। तो अभी ये तो क्लियर हो गया था कि बड़े ब्रांड्स तो मेरे साथ में काम करने से रहे। तो मैंने एक और लिस्ट बनाई। उस लिस्ट में इंदौर के जितने भी लोकल ब्रांड्स थे जिनको मैं पर्सनली पसंद करता हूँ, या दूसरे शब्दों में बोलूँ जिनका मैं खुद एक कस्टमर हूँ, उन ब्रांड्स और कंपनी को मैंने पिच करना शुरू कर दिया। जैसे अपना स्वीट्स की मुझे पानी पूरी पसंद है तो अपना स्वीट्स हो गया, 99 रोटी वाला जिसका खाना मंगवा के मैं घर पे खाता हूँ, अविस्ता हेयर क्लिनिक जिससे मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था, इसी टाइप के कई और लोकल ब्रांड्स की मैंने लिस्ट बनाई। अपना स्वीट्स से रिजेक्शन के बाद मैं गया 99 रोटी वाला के पास एंड गेस व्हाट, इनके मैनेजर ने मेरी एक मीटिंग फिक्स कर दी। तो अभी मैं जा रहा हूँ 99 रोटी वाले के मैनेजर से बात करने। हाँ मतलब ऐसे नहीं, मतलब कुछ अच्छा सा पहन कर जाऊंगा। आओ वहीं मिलता है। तो
तो सेम डे मैं गया 99 रोटी वाला रेस्टोरेंट पर, जहां मैंने इनके मैनेजर से बात करी। फिर मैंने इन्हें बताया कि कैसे मैं मेरी बॉटल पर इनके रेस्टोरेंट की एड चिपका कर मार्केटिंग कर सकता हूं। इनके मैनेजर को मेरा आइडिया बहुत सही लगा। मैं करीब 2000 बॉटल को लोगों में बांटने वाला था, जिसके बदले में मैं इनसे मांग रहा था 70,000 रुपए। आफ्टर नेगोशिएशन हमारी डील 50,000 रुपए में क्लोज हुई, 50% एडवांस और 50% काम होने के बाद। वैसे अभी मेरे पास 5 ब्रांड और भी थे जो मेरी इस बॉटल वाले कॉन्सेप्ट पर पैसे लगाने के लिए रेडी थे। उन सभी 5 ब्रांड को दिल से शुक्रिया जिनने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया। लेकिन काम मैं अभी 99 रोटी वाले के साथ में ही करूंगा, क्योंकि ये अफोर्डेबल रेट्स के साथ में बहुत टेस्टी खाना बनाते हैं। इनका खाना मैं स्विगी और जोमेटो से करीब 2.5 से 3 साल से मंगा कर खा रहा हूं। और आज रैंडमली जाकर इनका किचन भी देख लिया, जो कि सच में बहुत हाइजेनिक था। इनके किचन में ही खाना बनाने वाले लोगों के लिए गाइडलाइंस चिपकी हुई थी कि हाथ धोना कैसे और ड्रेस अप कैसे करना है, जो कि सच में मुझे बहुत सही लगा। तो अभी ये तो फाइनल हो गया कि मेरी अपकमिंग बॉटल्स पर 99 रोटी वाला के ही एड्स चिपकेंगे। अब देरी है तो बस खुद की बॉटल मैन्युफैक्चर कराने की, जिसके लिए वापस से मैंने उस बंदे को कॉल किया। 99 रोटी वाले के एड के एक दो डिजाइन देखने के बाद ये वाली डिजाइन फाइनल हो गई। बॉटल बनकर मेरे तक पहुंचने में 2 से 3 दिन का समय लगना था, और आज फाइनली मेरी बॉटल्स आ गई, जो कि दिखने में कुछ ऐसी हैं। तो अभी फाइनली मेरी बॉटल्स तो आ ही चुकी हैं, जो कि मेरे घर के बैकयार्ड में रखी हैं। अब देरी है तो बस इन्हें लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने की। तो चलो अब हम इन्हें लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो लोगों में बॉटल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मैंने अपने एक दोस्त से कार जुगाड़ में ले ली, और उस कार में ही अपनी बॉटल्स को भर दिया। इस कार में बैठे बैठे हम लोगों में बॉटल्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फिर बहुत देर तक ऐसे खड़े रहने के बाद भी हमारे पास में लोग नहीं आए, ऑल्दो हमने लिख रखा था ये फ्री बॉटल है। तब भी लोग हमें देखते और चले जाते, लेकिन हमसे कोई पानी की बॉटल लेता ही नहीं। हाँ, कुछ कुछ लोग जरूर मेरे से मिलने आ रहे थे, जो कि मेरे सब्सक्राइबर ही थे। तो मैं मेरे सब्सक्राइबर्स ही को बताने लग गया कि मैं कर क्या रहा हूँ। धीरे धीरे लोगों को बताने के बाद हमारे पास में लोग आने लग गए, और वो बहुत इंटरेस्ट के साथ में पूछ रहे थे कि आखिर हम ये फ्री में पानी दे क्यों रहे हैं। फिर उन्हें बताया भी गया कि ये 99 रोटी वाला रेस्टोरेंट की मार्केटिंग है। हमारे थ्रू किए जाने वाला ये कॉन्सेप्ट लोगों को बहुत ही ज्यादा सही लगा, और देखते देखते हमारे पास में भीड़ आ गई। नए नए लोग 99 रोटी वाला रेस्टोरेंट के बारे में हमसे पूछते, जानते और कभी ना कभी उनके रेस्टोरेंट से खाना मंगवाने की बात करते। हमने सिर्फ एक ही दिन में 1000 बॉटल्स को बांट दिया, और दूसरे दिन सिग्नल पर 1000 बॉटल और बांट दी। और इस तरह मैंने फॉरेन कंट्री का एक सिंपल सा बिजनेस मॉडल, जिसमें पानी की बॉटल पर एड लगाकर पैसे कमाए जाते हैं, उसे कॉपी इंडिया में किया, और सिर्फ एक हफ्ते में 50,000 रुपए कमा लिए। यदि मैं इसे थोड़ा प्रोफेशनली करता या बड़े स्केल पर करता तो इससे भी बड़ा अमाउंट कमा लेता, पर जो भी हो मैं खुश था, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने क्लाउड किचन का बिजनेस किया था और उस बिजनेस में मुझे लॉस हुआ था। खैर, तो अभी मैं तुम लोगों के लिए क्विक सम देता हूँ। एक बॉटल की कॉस्ट मुझे आती थी 8.5 रुपए की, मैंने बनवाई थी 2000 बॉटल, मतलब 17,000 रुपए की मुझे बॉटल पड़ी। मुझे 99 रोटी वाला रेस्टोरेंट से मिले थे 50,000 रुपए, मतलब 70,000 माइनस 50,000, मतलब मेरा नेट प्रॉफिट हुआ 33,000 रुपीज का। और ये प्रॉफिट लाखों में चला जाता अगर मैं उन 5 ब्रांड को भी अपनी बॉटल पर छाप देता। लेकिन उन 5 ब्रांड के साथ में काम ना करने का रीजन था उनकी डेट्स, क्योंकि वो लोग मुझसे मंथ के एंड में काम करवा रहे थे, लेकिन मुझे ये काम इसी हफ्ते करके कंप्लीट करना था। पर जो भी हो, हमने एक हफ्ते काम करके भी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा ही लिया। लेकिन अभी मुझे तुम लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है, तो प्लीज ध्यान से सुनना। हम लोग इसके लिए बिजनेस वाली सीरीज तो कंटिन्यू करेंगे ही, लेकिन प्लीज तुम लोग कमेंट सेक्शन में मेरे को ये भी बताओ कि बिजनेस सीरीज के अलावा भी मैं और क्या क्रिएट कर सकता हूँ। स्टिल हम लोग बिजनेस वीडियोस तो बनाएंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ मैं और क्या बना सकता हूँ, प्लीज कमेंट करना। और इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो कर दो, लाइक भी करना लेकिन शेयर ज्यादा करना। अभी थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बाय बाय, फिर मिलते हैं। अब बस एंड में तुम लोगों को यही याद दिलाऊंगा कि आर्यन के खास सॉफ्टवेयर को हासिल करने का मौका ना छोड़ें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ क्लिक करो और आर्यन को कहो कि आप मेरे से हैं। मैंने तो खेलकर 44,000 रुपए कमा लिए, अब तुम्हारी बारी।